This is Chakit from VAC Global Education. Discuss about the UG admission for the September intake, be it Canada, be it Australia, be it UK, be it New Zealand or any other country. How does the UG admission works since you are already in class 12th and you will be planning to go for the coming intakes? सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो बच्चे अभी एग्जाम ले रहे हैं और वो अपने साल को बचाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सेव देयर टाइम मनी एफर्ट एंड डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, दे हैव एन ऑप्शन दैट यू गाइज कैन अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफ अ लेटर फॉर एनी ऑफ दीज कंट्रीज एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज पर्टिकुलर कंट्रीज आपको बैचलर्स या डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा, सो दैट you would not waste your time for the intakes to come. Otherwise, the next intake hoga, wo hoga February and then follow on in July and so on. So, if I talk about Canada, there are three major intakes, Jan, May and September. Then for UK, again it's the same, Jan, May and September. Australia and New Zealand have July and February as the major intake. And same goes for US, Jan, May and September. सो जो बच्चे अभी से प्लान कर रहे हैं कि उनको शॉर्ट शॉर्ट बाहर जाना है पढ़ने के लिए, देन हाउ यू गाइस कैन मेक श्योर कि आप अपने प्रोसेस को इजीली कर सकते हो. सो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर इज ओनली थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज योर पासपोर्ट, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी. विदाउट पासपोर्ट यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड. योर 10th मार्कशीट एंड यू कैन हैव अ प्रेडिक्टिव स्कोर फॉर योर क्लास 12th. तो जो भी आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स आए हैं वो आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने स्कूल से ऑन देयर लेटर हेड गेट अ प्रेडिक्टिव स्कोर. बेस्ड ऑन दैट प्रेडिक्टिव स्कोर वी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज. मोस्ट ऑफ द टाइम यूजी की एप्लीकेशन फीस नहीं होती है, ओनली इन सम केसेस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी देन ओनली द एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल. अदरवाइज प्रीटी मच ऑल द यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड देर आर नो एप्लीकेशन फीस एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल वंस. Like for UK, you can apply through UCAS and so forth. Like for Canada, there are application fees. But for New Zealand, Australia, there is no application fees. So you guys can apply without any trouble. Now, जो आपका predictive score है, इसके साथ साथ अगर मैं UK की बात करूँ, UK में LOR लगता है, which is letter of recommendation, which your school gives you. So based on these documents, you would be able to apply and get a conditional offer letter. Since you are already in class 12, you would have not taken your IELTS, PT, TOEFL test. So you can apply for a conditional offer letter. And as soon as your class 12th results will be out, then you would be able to apply for your IELTS, PT, TOEFL test and then get you the, which can get you the unconditional offer letter. सो दो तरह के ऑफर लेटर होते हैं. पहला होता है कंडीशनल ऑफर लेटर, जिसमें अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, जैसे भी आपके पास क्लास 12 का रिजल्ट नहीं है एंड यू आर स्टिल अप्लाइंग बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टिव स्कोर, इसी तरीके से आप आईएलटीएस के लिए भी कंडीशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. नाउ वंस यू हैव गॉट योर क्लास 12 रिजल्ट, उसके साथ साथ आपने आईएलटीएस का एग्जाम भी दिया है, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम खत्म हो गए, अप्रैल में आपने टेस्ट का टेस्ट लिया, उसके बाद मई में आपका रिजल्ट आ गया फॉर IELTS, PT, TOEFL एंड फॉर योर क्लास 12th, फिर ये डॉक्यूमेंट कंबाइन करके वी सेंड टू द यूनिवर्सिटी एंड गेट यू द अनकंडीशनल ऑफर लेटर. सो दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम फॉर यू एंड वंस द अनकंडीशनल ऑफर लेटर इज देयर देन वी जस्ट नीड टू प्रिपेयर द वीजा फाइल. अभी वीजा फाइल प्रिपेयर करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो होते हैं आपके फाइनेंशियल्स, आपका मेडिकल, इफ PCC इज रिक्वायर्ड विच इज अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू नीड टू हैव अ बैंक बैलेंस ऑफ 35 लैक्स, विच नीड्स टू बी 3 months ओल्ड, योर पेरेंट्स आइडिया नीड्स टू बी एटलीस्ट 12 लैक्स. अगर मैं बात करूँ कैनेडा की, तो वहाँ पर आपको जो बैचलर्स है दैट इज फॉर 4 ईयर्स, आपको जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो आपको 1 साल की फीस पे करनी है, आपको GIC पे करना है. ये अगर आपको कोई भी टर्म्स इसमें समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, बिकॉज वी मेक कॉन्टिन्यूस वीडियोस टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. इसके बाद अगर आपको वीजा रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे हम, तो इसके साथ साथ अगर आपको न्यूजीलैंड अप्लाई करना है तो यू नीड PCC विच इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और इस तरीके से UK अप्लाई करना है तो देन यू नीड टू, वंस यू गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर देन यू वुड नीड टू अप्लाई फॉर द कैश लेटर. कैश लेटर से पहले आपको कुछ फीस का पार्ट डिपॉजिट में पे करना होगा सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर द कैश लेटर.
तो ये बहुत सारी टर्म्स होंगी जो अभी शायद आपको नहीं समझ आ रही होगी, एंड इसी के लिए व्हाट यू गाइस कैन डू, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, यू गाइस कैन गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप. वहाँ पर वी कैन क्रिएट अ ग्रुप इन विच यू कैन ऐड यू, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर, समबडी यू ऑलरेडी नो अब्रॉड, हु इज गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस. सो वी ऑल कैन कंबाइन, मेक अ ग्रुप एंड वी कैन हेल्प यू रीच योर स्टडी डेस्टिनेशन. सो मूविंग फॉरवर्ड, वंस द वीजा फाइल ऑल्सो रिक्वायर योर SOP. SOP इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. सो इसमें क्या होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है, वॉट आर योर फ्यूचर प्लान्स, विच काइंड ऑफ जॉब्स यू आर टारगेटिंग, वॉट काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन गेट वंस यूल कम बैक टू इंडिया. सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी डिफाइंड इन अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एंड विच वी नीड टू सबमिट विद योर एप्लीकेशन फॉर द वीजा. एंड दिस इज हाउ यू गेट द वीजा. सो योर फाइनेंशियल्स, मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड योर SOP, दीज आर द मेजर डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम गेटिंग यू द कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफ लेटर. सो एवरीथिंग कंबाइंड वी सबमिट द एप्लीकेशन टू द इमिग्रेशन एंड गेट द वीजा. सो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेंदी है. इट टेक्स रफली अराउंड 3 to 4 months टू डू द इंटायर प्रोसेस, बी इट फॉर एनी कंट्री. सो जितना जल्दी आप अप्लाई करते हो, यू विल हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी स्कॉलरशिप. बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अप टू 10-20,000 डॉलर्स तक की भी स्कॉलरशिप देती हैं. UK में इफ़ यू पे योर फीस फर्स्ट, यू गेट अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स ऑन योर एप्लीकेशन ट्यूशन फीस. सो बहुत तरीके की सेविंग्स हैं जो आप टाइमली अप्लाई करके कर सकते हो. सो आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे पूरे प्रोसेस को लेकर, कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे, सैम्पल्स कहाँ से मिलेंगे, मैं LOR कहाँ से लाऊंगा, मुझे प्रेडिक्टिव स्कोर का सैम्पल चाहिए, मुझे SOP लिखना है, वो कैसे लिखा जाएगा. सो वी आर हेयर टू हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आप या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट वी वुड बी एबल टू आंसर यू. द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस सो दैट वी कैन हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस एंड वी विल मेक श्योर कि आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो, बी इट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, UK, US, वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस, बी एट योर एडमिशन और योर वीजा. आपको एजुकेशन लोन की हेल्प की जरूरत है, वी आर रेडी टू हेल्प यू. वी हैव टाइप विद मोर देन टेन बैंक्स एंड NBFCs. आपको IELTS PT TOEFL क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट एज वेल. सो ईच एंड एवरी थिंग वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस इन द इंटायर प्रोसेस. सो बी इट एनी थिंग वी आर हेयर टू हेल्प यू. सो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी अब्रॉड इन द कमिंग इनटेक्स, then now is the time to take the action, because धीरे धीरे things will start moving. You would need time to arrange the funds, you would need time to do the documentation, you would need time to arrange your IELTS PT TOEFL, जो भी एग्जाम आप लेना चाहते हो, कौन सा एग्जाम आपको लेना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिगर आउट करने होते हैं. तो इन माय ओपिनियन नाउ इज द टाइम वेयर यू शुड बी टेकिंग द स्टेप सो दैट वी कैन डू द काउंसलिंग, वी कैन हेल्प यू विद द क्लियरिंग अप योर डाउट्स, कि ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, फंडिंग कैसे अरेंज होगी, कितनी फंडिंग चाहिए, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस ऑन आवर व्हाट्सएप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन. टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल वेर एवर यू सी द थंबनेल. सो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो और भी फ्यूचर में वीडियोज आने वाली हैं रिगार्डिंग द प्रोसेस, रिगार्डिंग द एडमिशन, रिगार्डिंग द एंट्री रिक्वायरमेंट्स, रिगार्डिंग द वीजा, सो आपको वो अपडेट मिलता रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन. टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.